इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम एवन कोचिंग। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी आप लोगों ने कि नहीं की अभी? और अगर अभी भी नहीं स्टार्ट की भैया, तो अब तो जाग जाओ, क्योंकि अब तो टाइम हो गया है ना पढ़ाई का। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आप सब जितने हो टेंथ में पास कर दिए गए हो, तो किस बात का वेट कर रहे हो? ठीक है, तो जिन लोगों ने अकाउंट लेने के बारे में सोचा है, कॉमर्स साइड में जाना चाहते हैं, तो भैया अकाउंट्स के लिए मैं आप सबसे इतना बोलूंगा कि बेस आपका होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको 11, 12, बीकॉम आप कभी भी आगे जाओगे आपको प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। तो स्टार्टिंग से हमें पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी कोरोना में इतने टाइम से हम लोग बैठे ही हुए थे ना, तो अब तो हम लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो आप सब भी वीडियो को एंजॉय करो, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो। ठीक है, तो ओके ना? ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और लास्ट वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो रहे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके ओके, तो बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो बच्चों हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि अकाउंटिंग क्या होती है, एक साइंस भी होती है, और साइंस में क्या होता है, कुछ चीजें क्या होती है, प्रूव होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर ये ऐसा है तो वो ऐसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो सेम उसी तरह हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम टू सेम हमें उसी तरह ही अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। मींस जो अकाउंटिंग होती है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, न्यूजीलैंड हो, दुनिया की कोई भी कंट्री हो बच्चों, वहां पर क्या होता है, अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है। सारी अकाउंटिंग जैसे इंडिया में होती है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, वैसे ही अमेरिका में भी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसके बेस पे अकाउंटिंग हमारी की जाती है। तो जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो देखिए एक चीज आता है ख्याल में, माइंड में, GAP, GAAP। तो GAAP इसका मतलब होता है, शॉर्ट में मैंने लिखा है, जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चों हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, तो एक चीज आप समझ लें कि आप क्वेश्चन तो किसी तरह कर लेंगे, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे भैया ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें एक वर्ड है एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। ठीक है, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन क्या है, अलग है। मींस बिजनेस को चलाने वाला जो इसका ओनर है वो अलग है, और जो बिजनेस है उसकी खुद अपनी एक अलग पहचान होती है। यानी मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इस बिजनेस के नाम से होंगे, जितने भी कंप्लेन होंगी वो इस बिजनेस के नाम से होंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मान लिया आपका जियो हो गया, और इसके ओनर कौन है, मुकेश अंबानी। तो इतनी सी चीज समझिए बच्चों कि इसका मतलब होता है कि जो जियो होता है वो अलग होता है, ठीक है, और जो मुकेश अंबानी होते हैं वो अलग होते हैं। तो ओनर और बिजनेस ये दोनों अपने में अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनर
और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग होते हैं। जब कभी भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो ओनर होता है वो क्या करता है, इसमें पैसा लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, और जो पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस की वो जो है लायबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको पैसा जो है कमा कर दे, इसको पैसा क्या करे, वापस करे ओनर को। तो कहने का मतलब बिजनेस और ओनर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग दिस प्रिंसिपल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो चलिए देखते हैं अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बच्चों सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है, रफ कर लेता हूं दो मिनट। तो बच्चों हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, सेकेंड होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बच्चों ये कहता है कि हमारे अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसमें होते हैं, मोनेटरी टर्म्स है, मींस मनी के टर्म्स में ही जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। अगर सपोज मान लीजिए कोई भी बंदा, कोई भी जो है बंदा अगर किसी की हेल्प करता है, आपने किसी की मदद कर दी, उसको रिकॉर्ड हम लोग अकाउंट्स में नहीं करेंगे। या मान ली कोई ब्लाइंड मैन है, अंधा आदमी है, रोड क्रॉस कर रहा है, हमने उसको रोड क्रॉस कर दी, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कभी ओनर की तबीयत खराब हो गई, वो 4 दिन जो है जो ऑफिस में नहीं आया, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जिसमें परचेस हो रहा होगा, सेलिंग हो रहा होगा, एक्सपेंस हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, मीन्स जिसको हम मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में नोट कर सकते हैं उसी को हम नोट करेंगे इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ पैसों का लेन देन ही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? और थर्ड क्या है, चलिए देखिए। और थर्ड प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और यही आज का हमारा लास्ट है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। अब अच्छा, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, ये बताइए आपने आज तक कभी ऐसा सुना है कि ये मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपने कभी सुना है ये मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 साल बाद मेरे बिजनेस खत्म कर दूंगा। ठीक है, या फिर कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बिजनेस को आग लगा देना, तबाह कर देना, तोड़ डालना, फोड़ डालना, कभी ऐसा सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है ना, क्यों सुनेगा भाई, बिजनेस स्टार्ट किया है तो खत्म करने के लिए थोड़ी किया है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी बिजनेस हम लोग कभी भी खत्म करने के लिए स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी कोई गारंटी कि ये बिजनेस जो भी मैंने स्टार्ट किया है वो हमेशा चलता रहेगा, ऐसी कहीं गारंटी तो है नहीं कि बिजनेस स्टार्ट किया है वो 100 साल चलता रहेगा, तो कोई गारंटी तो नहीं। तो इसमें क्या रहता है, अजम्पशन। ठीक है, अजम्पशन रहता है, मीन्स हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, सोचते हैं कि ये बिजनेस हमेशा चलेगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उसमें अजम्पशन लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का क्या हेल्प होती है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जब कभी भी हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए उसमें कोई एसेट है हमारी, एसेट्स में हमारी मान लीजिए कोई मशीन है जिसकी कीमत अभी क्या है, 50,000 रुपीज है, जिसकी कीमत क्या है अभी, 50,000 रुपीज है। अब मान लीजिए हमेशा तो उसकी वैल्यू जो है 50,000 नहीं रहेगी ना, हमेशा तो 50,000 वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, साल दर साल क्या होगी इसकी वैल्यू, कम होती जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी फेयर वैल्यू जब 1 साल बाद हिसाब किताब होता है तो 1 साल बाद 50,000 की ये मशीन रहेगी, नहीं रहेगी, 1 साल बाद की वैल्यू घटेगी। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हर साल कुछ कुछ वैल्यू इसकी घटती जाएगी। सपोज मान ली मैंने सोचा अभी 50,000 है, आफ्टर वन ईयर के बाद ये जो है 10,000 इसमें से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो 10,000 50,000 में 10,000 माइनस होगा,
तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो रही है इसकी, 10,000 काम हो रही है। इसी तरह दूसरे साल क्या होगा, 30,000 हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 20,000 हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 10,000 हो जाएगी। और साल दर साल जो वैल्यू होगी उसकी वो कम होती जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में कितना नोट करेंगे, 40,000। उसके नेक्स्ट ईयर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, 30,000। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा कि जो भी फेयर वैल्यू होगी साल दर साल जो कम होती जाएगी उसको हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? और ये कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस में चला जाएगा। जितनी वैल्यू घटती जाएगी उसको हम एक्सपेंस में दिखा देंगे। यहां तक बच्चों आज हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे। फर्स्ट हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकेंड था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और थर्ड था हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन आना लगभग लगभग तय है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें। मैं इसकी जो डिफिनेशन वगैरह होगी मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी स्टडी अच्छे से कर सकें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आगे बात करेंगे इसके हम कि और क्या इसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।